रमजान के चलते आज मैं लाई हूँ एक बहुत ही इजी इफ्तार रेसिपी जो बहुत कम समय में बन जाती है और इसमें हम बहुत ही कॉमन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो आज की रमजान स्पेशल रेसिपी में हम इन सभी इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो आज की रमजान स्पेशल रेसिपी में हम बनाने जा रहे हैं सफ़ेद चने के कबाब। इनके कबाब बनाने के लिए हमने एक कप सफ़ेद चनों को रात भर के लिए पानी में भिगो दिया था। अगले दिन हमने इन्हें प्रेशर कुकर में 2 सीटी लगवाई है, जिसके बाद ये इस तरह के सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इन्हें हैंड ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लेंगे। आप चाहे तो इन्हें हाथों से या मैशर से भी मैश कर सकते हैं। इन्हें अच्छे से मैश या ब्लेंड करने के बाद इनका इस तरह का सॉफ्ट टेक्सचर बन जाएगा। तो इन्हें हम एक मिक्सिंग जार में निकाल लेंगे। अब हम इनमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालकर मिक्स करेंगे। यहाँ हमने लिया है आधा चम्मच या स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा तीखापन लाने के लिए एक बारीक काटी हुई हरी मिर्ची, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच अजवाइन को हम इस तरह मसल कर डालेंगे ताकि इसके दाने मुंह में ना आए, 1/4 चम्मच काली मिर्ची पाउडर, थोड़ा चटपटा बनाने के लिए 1 चम्मच आमचूर पाउडर। यहाँ हमने लिया है चॉप किया हुआ धनिया और पुदीने का मिक्सर तकरीबन 2 चम्मच, और इन सभी इंग्रेडिएंट्स की आपस में अच्छे से बाइंडिंग करने के लिए हम इसमें 3/4 कप ब्रेड क्रम्स डालेंगे, यानी आधा कप प्लस 1/4 कप ब्रेड क्रम्स डालकर मिला देंगे। इस मिक्सर को हम हाथों से अच्छे से मसल मसल कर मिलाएंगे ताकि सभी मसाले इवनली मिक्स हो जाएं। अगर आपके पास आमचूर पाउडर ना हो तो आप चाट मसाला डालकर भी बना सकते हैं। सब कुछ बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है तो अब हम इसके कबाब बनाएंगे। कबाब बनाने के लिए हाथों पर थोड़ा तेल लगा लें। अब एक रोटी से थोड़ा ज़्यादा मिक्सचर इस तरह हाथों में लें और इसका गोल पेड़ा बनाकर इसे टिक्की की तरह दबाकर फ्लैट कर लें। अब यहाँ हम एक गोल कटर का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे हम इस तरह एकदम परफेक्ट गोल कबाब काट लेंगे। रिमेनिंग मिक्सचर हम फिर से इस्तेमाल कर लेंगे। कटर का इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो ट्रेडिशनल तरीके से टिक्की की तरह गोल कबाब भी बना सकते हैं। हम यहाँ कटर का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इसके इस्तेमाल से हर कबाब एकदम परफेक्ट शेप का कटेगा और ये कबाब देखने में भी बहुत प्रेजेंटेबल लगेंगे। अब ये कबाब फ्राई करने के लिए तैयार है। इन्हें फ्राई करने के लिए एक फ्राइंग पैन में थोड़ा कुकिंग ऑयल डालें। तेल गर्म होने पर गैस मीडियम हाई पर सेट कर दें। इन कबाब को हम मीडियम हाई गैस पर ही फ्राई करेंगे। पैन में हमें कम से कम इतना तेल ज़रूर डालना है कि इनकी साइड्स भी तेल में अच्छे से भीग रही हों। मीडियम हाई गैस पर इन्हें फ्राई करने में बहुत कम समय लगेगा। चने पहले से ही अच्छे से गले हुए हैं तो हम इन्हें बस बाहर से एक क्रिस्पी टेक्सचर देने के लिए फ्राई कर रहे हैं। मीडियम हाई गैस पर उलट पलट कर दोनों तरफ से फ्राई करने पर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करने के बाद जब इनका रंग गोल्डन ब्राउन सा नज़र आने लगे तब ये बनकर तैयार हैं। इन्हें हम एक अब्जॉर्बिंग पेपर पर निकाल लेंगे ताकि इनका सारा एक्स्ट्रा ऑयल अब्जॉर्ब हो जाए। इन टेस्टी और मज़ेदार कबाब को किसी भी सॉस या चटनी के साथ सर्व करें। ये अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी हैं, इसलिए ये सभी को बहुत पसंद आते हैं। इन्हें बनाने में कम समय लगता है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी हैं, इसलिए ये रमजान के लिए परफेक्ट इफ्तार रेसिपी है। तो आपको ये स्नैक रेसिपी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी को रमजान मुबारक हो।